हाय गाइस, मैं भावना दीमन स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल वेजीपीडिया में। तो गाइस, आपको पता ही है जैसे हम हर बार नई से नई रेसिपी आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज इसी तरह हम आपके लिए आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार सी बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ट्राई किया जाए, आपको भी बताया जाए कि ये सब्जी हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं छोटे साइज के बैंगन, और यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, और बैंगन को हमने डाल दिया है बड़े से बाउल के अंदर, पानी के अंदर। साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 बड़े टमाटर और 3 बड़े प्याज। तो आप देख सकते हैं प्याज को मैंने यहाँ पर छिल कर फिर इसके बीच में डाला है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 4 बड़े आलू। हमने आलू को अच्छे से छिल लिया है और फिर इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब मैंने इसके बीच में ऐड की है 4 से 5 हरी मिर्ची। तो सारी वेजेस को मैंने इसके बीच में डाल दिया है, और अच्छे से वॉश कर लेंगे हम सारी सब्जियों को। और अब हम इसके बीच में से अपने प्याज जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्याज टमाटर को हमने अच्छे से पानी के अंदर वॉश कर लिया, आपने देख लिया जैसे कि एक ही पानी के अंदर हमने सारा कुछ वॉश कर लिया है। तो लो जी, प्याज जो थे हमारे, हमने उनको अच्छे से स्लाइस में काट के अलग कर दिया है। और अब हम लेंगे अपने टमाटर। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर 4 बड़े साइज के टमाटर का यूज करूंगी। एक टमाटर हमने एक्स्ट्रा लेके ही चलना है, अगर 3 प्याज है तो 4 टमाटर, और अगर 2 प्याज है तो फिर 3 टमाटर। तो टमाटर को भी हमने यहाँ पर रफली चॉप करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बारीक काटना है। यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है, साथ ही साथ हमने जो अपने आलू लिए थे आलू को भी हम कट करेंगे। तो देख सकते हैं आलू को भी यहाँ पर मैं स्लाइस में कट कर रही हूँ, जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज बनाते टाइम आलू को कटिंग करते हैं ना, बस उसी तरह हमने यहाँ पर आलू को कटिंग करना है। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, हल्का मोटा ही कट करेंगे, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज में तो हम थोड़ा पतला काटते हैं, पर यहाँ हम सब्जी के लिए यूज कर रहे हैं तो थोड़ा मोटा कटिंग कीजिएगा। तो लो जी, आलू भी हमारे कट कर तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ अब हम अपने बैंगन को ले लेते हैं। तो बैंगन लिया है, और बैंगन में मैंने यहाँ पर इस तरह से कट लगा दिया है सेंटर में। तो देख सकते हैं आपने बैंगन लिया है, और इसके सेंटर से हमने 2 कट लगाने हैं, 4 पार्ट हो जाएंगे, और पूरा डीपली कट नहीं आएगा, हाफ हाफ कट ही आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम बैंगन को कट कर लेंगे। तो लो जी, बैंगन में तो हमने कट लगा दिया। अब हम एक कटोरी ले रहे हैं, कटोरी में लेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने आधा आधा करके 2 बड़ी डाल दिया है, और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके बीच में जो मसाला भरना है, बिल्कुल सूखे मसाले हम इसके बीच में स्टफ करेंगे। तो लो जी, अब हम लेंगे बैंगन को और बैंगन के अंदर अपना मसाला स्टफ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमने दोनों कट में, दोनों होल में जो हमने किए थे उसमें अपना मसाले को फिल करना है। तो गाइस भरवा बैंगन बना रहे हैं, भरवा आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैंगन को ही फ्राई करके बनाते हैं। तो आज जो हमारी सब्जी है बहुत ही मजेदार सी बनने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखते हैं, ऑयल जो है मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था, और इसके बीच में हम अपने बैंगन को ऐड कर देंगे। बैंगन तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं आलू। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो कढ़ाई का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो आलू बैंगन दोनों ही इकट्ठे इसके बीच में आ गए हैं। और अगर आप छोटी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो पहले आप बैंगन फ्राई कर सकते हैं, फिर आप आलू फ्राई कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे जल्दी जल्दी में बनानी है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है, ताकि आलू बैंगन हम दोनों को इकट्ठा फ्राई कर पाएं। तो गाइस बहुत ज़्यादा हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना, जब आप देखें कि इनका अंदर का कलर चेंज हो जाए। फ्राई होने का कैसे पता चलेगा, जब बैंगन का अंदर का जो कलर है आपको पता चल जाएगा, हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप इन बैंगन को निकाल सकते हैं कढ़ाई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे बैंगन हैं बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, और हमारे जो आलू हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में कंपैरिजन टू बैंगन। अगर हम बैंगन से कंपैरिजन करें तो आलू जो है हमारे थोड़ा लेट फ्राई होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो भी फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब उसी कढ़ाई के अंदर हम जो ऑयल है उसको निकाल देंगे अलग से किसी भी बर्तन में, और थोड़ा सा ऑयल सिर्फ तड़के के लिए यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर रखा है, और अपने जो प्याज थे हमारे हमने वो इसके बीच में ऐड कर दिए हैं।
तो चलिए जी अब हम इसके बीच में अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एक बड़ा चम्मच नमक, साथ ही साथ एक बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने इसके बीच में ऐड किया है एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। तो स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक मसाले हमने डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, पर जो सब्जी है बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और साथ में हमने जो अपने टमाटर थे जिनको चॉप करके रखा था वो भी बीच में ऐड कर दिए हैं, और हरी मिर्ची भी हमने यहाँ पर डाल दी है साथ ही साथ। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बढ़िया बात कि इसके बीच में हम आलू डालते हैं, तो बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद आती है, वो आलू बहुत पसंद करते हैं इस तरह से खाना। तो मैं अपने घर पर इसे हर बार बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो गाइस यहाँ पर हम मैंने एक बड़ा चम्मच डाल दिया है चना मसाला। तो गाइस स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये मेरा, तो यहाँ पर मैंने चना मसाला डाला है जिसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है आलू बैंगन के अंदर। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल अपोजिट है, बट एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलो जी हमारा जो मसाले थे वो तो अच्छे से पक कर हो चुके हैं तैयार। अब हम अपने आलू और बैंगन को जो हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। तो लो जी हमने डाल दिए अपने आलू भी और बैंगन भी साथ ही साथ इसके बीच में। तो गाइस हमने यहाँ पर आलू और बैंगन को पहले से फ्राई किया है, तो बहुत देर तो हमें कुक नहीं करना पड़ेगा। बस आपने आलू बैंगन इसके बीच में डाले हैं, तो अच्छे से एक बार ही मिक्स कर दें आप इसे, अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा जो हमारा मसाला है वो इसके ऊपर कोट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए लेड लगाकर पकाना है, ताकि जो हमारे आलू बैंगन है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने इसे पकाया था और हमारे आलू बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो गाइज यकीन मानिए ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे परौंठी के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। मेरे यहाँ पर आलू बैंगन को चावल के साथ भी खाना बहुत पसंद करते हैं मेरे घर पर। कई बार जब मैं ये सब्जी बनाऊँ तो सब आलू बैंगन को चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आपके घर में इसको किसके साथ खाना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ ढेर सारे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।